नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बार बार कमेंट किए जा रहे हैं कि प्रमोशन को लेके कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोई बोल रहा है कि भाई इंटरमीडिएट को प्रमोशन मिल रहा है या फिर फाइनल ईयर को प्रमोशन मिल रहा है या फिर नर्सिंग वालों को मिल रहा है कि नहीं, BAMS वालों को मिल रहा है कि नहीं, BHMS फैकल्टीज़ का नाम ले लेके कमेंट्स किया जा रहा है कि भाई इन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोग अलग अलग तरह की न्यूज़ देखते हैं उसके बाद फिर कमेंट करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपकी हर एक जो कन्फ्यूज़न है मैं दूर करने वाला हूँ कि प्रमोशन किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सभी जानकारी बताने के पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता देना चाहता हूँ। चलिए उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, उस न्यूज़ में लिखा क्या है, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेपर की कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि राज्य सरकारें कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षा पर नहीं दे सकती है दखल, ठीक है ना। आगे पढ़ता हूँ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने की मांग उठाई है। हालांकि यह संभव नहीं है। UGC के दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से सभी कॉलेज, सभी राज्यों, सभी विश्वविद्यालयों को मानना होगा। UGC के एक्ट के सेक्शन 12 में स्पष्ट है कि वह परीक्षा संबंधित फैसला ले सकती है। UGC रेगुलेशन 2003 के बिंदु नंबर 6 में भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को परीक्षा के बारे में UGC के सभी नियमों को मानना होगा। UGC ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मान्यता देती है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया कि UGC के द्वारा ही कॉलेज और विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाती है। इस दौरान संस्थान और UGC में समझौता पत्र हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का इन्हीं नियमों व समझौता के तहत इस एक्ट में लिया गया फैसला मानना होगा। यदि कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज UGC एक्ट के विपरीत फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा के बजाय असेसमेंट में रिजल्ट जारी करता है तो डिग्री मान्य नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यदि UGC के खिलाफ कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय फाइनल ईयर के छात्रों को कंडक्ट कर देता है प्रीवियस असेसमेंट के आधार पर, तो उनकी जो डिग्री होगी वह मान्य नहीं होगी, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे संस्थानों के खिलाफ मान्यता रद्द से लेकर जुर्माना व सीट या फिर कोर्स के संबंधित कोई भी एक्ट का प्रावधान लिया गया, मतलब ऐसे ही यदि UGC की गाइडलाइन कोई मानता नहीं है तो उसकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है, उनकी सीटें कम की जा सकती है या इसके लिए जो भी जुर्माना वह निर्धारित करते हैं वहाँ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर यह बात आपकी क्लियर होगी कि UGC की गाइडलाइंस के खिलाफ कोई भी कॉलेज, कोई भी विश्वविद्यालय नहीं जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपके जो क्वेश्चन थे कि भाई बहुत तरह की जानकारियों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भाई नर्सिंग को प्रमोट किया जा रहा है, MBBS को प्रमोट किया जा रहा है, फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द की जा रही हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि UGC के गाइडलाइन के बाहर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता जब तक UGC अपना फैसला चेंज ना करे, ठीक है ना। अभी तक UGC के फैसले के अकॉर्डिंग जो भी मैं बात करने वाला हूँ, अभी तक के UGC के फैसले के अकॉर्डिंग, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर कोर्स, कोई भी पर्टिकुलर संकाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट की। दोस्तों, फाइनल ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम होना तय है किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, क्योंकि UGC की गाइडलाइन में यह बोला गया है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम तय है। जहाँ तक आप लोगों को मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि BAMS वालों के 14 जुलाई से पेपर होने हैं, उन लोगों के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, कॉलेजेस से कॉल आ चुके हैं उनको कि 13 तारीख को वो अपना एडमिट कार्ड ले लें और 14 तारीख को एग्ज़ाम देने चले जाएँ अपने सेंटरों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तय हैं, चाहे आप किसी भी संकाय, किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, चाहे मेडिकल हो या नॉन मेडिकल। क्लियर हो गई आपकी फाइनल ईयर की। अब रही बात इंटरमीडिएट सेमेस्टर की, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट सेमेस्टर के प्रमोशन या फिर एग्ज़ाम को लेकर। तो UGC ने ये बोला है कि जो अभी जो 6 तारीख को जो UGC की जो नई गाइडलाइन आई, उसमें इंटरमीडिएट सेमेस्टर के बारे में यह बोला गया था कि जो इन लोगों के लिए जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि UGC की 29 अप्रैल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब आपके यदि स्टेट में जो स्थिति है, संक्रमण की स्थिति यदि नॉर्मल है तो आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पहली चीज़, यदि आपके स्टेट में
ऐसी कंडीशन नहीं है कि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ले सके फिर या फिर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सके। मीन्स यदि आपकी स्टेट में आपके एरिया में संक्रमण का स्तर ज़्यादा है तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो मतलब ये जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर का जो भी फंडा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वह डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर, आपकी गवर्नमेंट पर और कोरोना के संक्रमण पे, ठीक है ना। यदि आपके स्टेट में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस आपको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि एग्ज़ाम लेने की कंडीशन वहाँ पर है, स्थिति सामान्य है, तो आपको परीक्षा देना पड़ सकता है। लेकिन आप अभी किसी मतलब आप जो जानकारी आ रही है कि भाई नर्सिंग को प्रमोट कर दिया गया या फिर MBBS को प्रमोट कर दिया गया इंटरमीडिएट सेमेस्टर को या फिर इसको प्रमोट उसको प्रमोट, अभी आपको मैं बता दूँ किसी की भी बात पर आप विश्वास मत करिए जब तक ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को नहीं मिल जाता। मेरी भी बात पर विश्वास मत करिए आप। मैं जो भी बात बता रहा हूँ यह UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरी बातों पर भी कोई विश्वास मत करिए आप। क्योंकि जब तक आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाता है, तो आपको किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है ना। आपको विश्वास किस पे करना है, जो आपको चलाता है, आपकी गवर्नमेंट आपको चलाती है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको चलाती है, ठीक है ना। तो अभी जब तक आपकी यूनिवर्सिटी से आपको नोटिस नहीं आ जाता है, प्रमोशन से लेके एग्ज़ाम से लेके कोई भी न्यूज़ आप तक नहीं आ जाती, तो आप किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस इंटरमीडिएट सेमेस्टर को प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर स्टेट में, हर शहर में, हर सिटी में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है कि यहाँ पे एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर को, चाहे वो किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करता हो, उसे प्रमोशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक यह बात कन्फर्म नहीं हो जाती, जब तक आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी गवर्नमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस ना दे दे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सभी बातें कन्फर्म हो गई होंगी, आपके जो भी कन्फ्यूज़न है दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मेडिकल टिप्स के साथ, नई मेडिकल अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।